तो आजकल आपने काफ़ी सारे BGMI और PUBG मोबाइल गेमर्स और यूट्यूबर्स को देखा होगा जो कि एक ही स्प्रे में 100 से 300 मीटर के रेंज के बंदे को मार गिराते हैं और वो भी जीरो रिकॉइल स्प्रे के साथ। तो आखिर ये इतना स्मूथ कैसे कर लेते हैं? तो देखो यार, क्लोज रेंज फाइट हो या लॉन्ग रेंज फाइट हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंसिटिविटी सेटिंग। और काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं कि सपोज कोई बंदा अच्छा खेल रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी कॉपी कर लेते हैं या फिर उससे सेंसिटिविटी कोड ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका लॉन्ग रेंज स्प्रे तो बेकार जाएगा ही और साथ में आप शॉर्ट रेंज फाइट भी हारते जाओगे। बिकॉज हर एक बंदे का डिवाइस अलग होता है, मसल्स मेमोरी अलग होती है, होल्डिंग स्टाइल अलग होता है। और अगर आप किसी की सेंसिटिविटी कोड कॉपी करते हो दोस्तों, तो वो आपके गेम के साथ सुटेबल नहीं होगा और ऐसे में आपका गेम प्ले और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो गाइज, किसी का भी सेंसिटिविटी कोड कॉपी करने की बजाय अगर आप खुद की सेंसिटिविटी तैयार करते हो तो आपका स्प्रे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और मैं आपको हेल्प करूँगा कि आप कैसे एक अच्छी सेंसिटिविटी तैयार कर सकते हो, कैसे एक अच्छा सा सेंसिटिविटी तैयार कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकन को ऑल पे कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी न्यू गेमिंग कंटेंट्स लाते रहता हूँ। तो सबसे पहले हम सेंसिटिविटी को समझते हैं गाइस। तो एक होती है लेंस सेंसिटिविटी जो कि हम फिंगर से कंट्रोल करते हैं, और दूसरी होती है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी जो कि हम डिवाइस को टिल्ट करके कंट्रोल करते हैं। लेंस सेंसिटिविटी के अंदर कैमरा सेंसिटिविटी, ADS सेंसिटिविटी और कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक होती है, और साथ ही में जायरोस्कोप के अंदर जायरोस्कोप कैमरा सेंसिटिविटी, जायरोस्कोप ADS सेंसिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेंसिटिविटी को फिंगर से कंट्रोल करते हो तो इसके लिए आपको लेंस सेंसिटिविटी को सेटअप करना है। और अगर आप एक जायरोस्कोप प्लेयर हो और अगर आप अपने सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल को टिल्ट करते हो तो इसके लिए आपको जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेंस सेंसिटिविटी बता देता हूँ, उसके बाद हम जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेंस सेंसिटिविटी के अंदर जब मैं कैमरा सेंसिटिविटी में TPP नो स्कोप को जीरो कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कैमरा जरा भी मूव नहीं कर रहा है, और इसको मूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फिंगर को ड्रैग करना पड़ रहा है। और यहीं पे जब मैं इसको TPP नो स्कोप को फुल कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे थोड़ा सा ड्रैग करने में भी हमारा कैमरा बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा है। तो इसको TPP नो स्कोप सेंसिटिविटी कहते हैं, और ये काम आती है क्लोज रेंज में और टारगेट को शिफ्ट करने में। तो अब आपको एक गन ले लेनी है और एक्सटेंडेड मैग लगा लेना है, एक्स्ट्रा कोई भी दूसरा अटैचमेंट नहीं लगाना है। और ये लगाने के बाद दोस्तों आपको फिर से आ जाना है सेंसिटिविटी में, और सेंसिटिविटी में आने के बाद TPP नो स्कोप को आपको एक बार 100 पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है, और ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद यहाँ पर आपको 4 स्टैचू देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो 4 टारगेट शो हो रहे हैं इसके बीच में एक मार्क लगाना है, और मार्क से लगभग 15 मीटर दूर चले जाना है। अब ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये क्लोज रेंज फाइट वाली डिस्टेंस है। अब गाइस ये जो टारगेट आपको दिख रहे हैं इनके हेड पे एम को रखना है और टारगेट बाय टारगेट एम को शिफ्ट करना है, और वो भी बिना किसी फायर के, बिकॉज अभी हम कैमरा सेंसिटिविटी को सीख रहे हैं, ठीक है। और मान लो अगर आपका एम टारगेट से थोड़ा सा पीछे रह जाता है तो आपको फिर से आ जाना है सेंसिटिविटी में, और सेंसिटिविटी में आने के बाद TPP नो स्कोप को 5 प्लस कर लेना है, और प्लस करने के बाद आपको दोबारा से ट्राई करना है। तो इस प्रैक्टिस में आपको थोड़ी सी मसल मेमोरी भी बिठानी पड़ेगी, और मान लो अगर आपका एम टारगेट से थोड़ा सा आगे चला जाता है तो आपको फिर से चला जाना है सेंसिटिविटी में, और सेंसिटिविटी में आने के बाद TPP नो स्कोप को फिर से 5 माइनस कर लेना है, और आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं रेड डॉट की या फिर अदर स्कोप्स की। तो इसके लिए आपको फिर से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आ जाना है, और आपको रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 50 पे सेट कर देना है, और फिर से आपको स्कोप को ओपन करके टारगेट बाय टारगेट एम को शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा स्कोप थोड़ा सा पीछे रह गया, तो मैं इसको +5 कर लूँगा। अब दोबारा से ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हद तक मेरा एम इम्प्रूव हो चुका है। अब मान लो आपका जो एम है वो टारगेट से थोड़ा सा आगे निकल जा रहा है, तो इसके लिए आपको फिर से रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 5 माइनस कर लेना है, और इसके बाद दोस्तों आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है।
तो ऐसे ही एक एक करके सारे स्कोप्स को आपको सेट कर लेना है। तो ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एडीएस सेंसिटिविटी की। तो एडीएस सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब आप स्प्रे देते हो तो सबसे ज्यादा यूज यही आने वाली है। तो मान लो अगर मैं एडीएस सेंसिटिविटी को जीरो कर लेता हूँ तो फायर करते वक्त मेरा जो कैमरा है वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। तो गाइस, जो एडीएस की सेंसिटिविटी होती है वो स्कोप ओपन करने टाइम होती है और मोस्टली स्प्रे वगैरह देने में यूज होती है। तो अब यहाँ पे रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 50 कर लेते हैं। अब आपको टारगेट पे एम रख के फायर करना है, और फायर करते समय अगर आपका एम ऊपर जा रहा है तो इसको आपको 5+ करना है, और दोबारा से फायर करना है, और फिर फायर करते समय अगर आपका एम फिर से ऊपर जा रहा है तो आपको अगेन इसको 5+ करना है। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, जिस स्कोप की आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी सेंसिटिविटी को ही इंक्रीज करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेड डॉट की सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। अब मान लो टारगेट से फायर करते समय आपका एम नीचे चला जा रहा है तो आपको एडीएस की सेंसिटिविटी -5 कर देनी है। और एडीएस सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको यहाँ पे आपको +12 या फिर -12 भी करना है। अगर आपका एम ऊपर जाता है टारगेट से तो आपको +12 करना है, और अगर आपका एम टारगेट से नीचे जाता है तो आपको -12 करना है। और ये सेंसिटिविटी को एक एक करके सारे स्कोप्स पे अप्लाई भी करना है गाइस। और ध्यान रखना, सारे स्कोप्स की सेंसिटिविटी सेम नहीं होती है, तो इसके लिए आपको सारे स्कोप्स को एक एक करके ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, और उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब सेंसिटिविटी को लेकर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, तो मुझे काफ़ी सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपकी सेंसिटिविटी क्या है, आप अपना सेंसिटिविटी कोड शेयर करो। तो मैंने वीडियो के एंड में अपना सेंसिटिविटी कोड भी शेयर किया हुआ है, अपना सेंसिटिविटी कोड भी शो किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप सेंसिटिविटी को प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपनी मसल मेमोरी नहीं बिठाओगे, तब तक आप एक अच्छा स्प्रे नहीं दे पाओगे। और जीरो रिकॉल स्प्रे देने के लिए दोस्तों आपको रेगुलर सेंसिटिविटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो इसके ऊपर भी मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। अब जो भी बंदे जायरोस्कोप खेलते हैं, तो जायरोस्कोप में भी दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है। एक होती है जायरोस्कोप कैमरा सेंसिटिविटी, और दूसरी होती है जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी। तो जायरोस्कोप कैमरा सेंसिटिविटी जब हम स्कोप ओपन नहीं करते हैं तो स्क्रीन को कंट्रोल करने में काम करती है, और जो जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी है ये कैमरा ओपन करते समय जो हमारा स्प्रे कंट्रोल होता है उसमें हेल्प करती है। तो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को सेटअप करने के लिए भी आपको सेम लेंस वाले सेंसिटिविटी को प्रोसेस को फॉलो करना है, और एक एक करके सारे स्कोप्स की सेंसिटिविटी आपको सेट करनी है।